नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिया जयपाल में। दोस्तों तो आज मैंने एक ऐसी मूवी देखी जिसको आप बिल्कुल अकेले बैठ के मत देखना भाई, क्योंकि इसमें जो है आपको भूतों की टोली दिखने वाली है। तो भाई एक ही भूत है जो कई कई रूप में एक साथ सामने आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरोस्कोप, यानी कि हॉरर जिंदगी की हमारी जो है आगे क्या होने वाला है उसको पढ़ने के तरीके बहुत सारे होते हैं। लेकिन सबसे जो है एक कॉमन फैक्टर जो हमने ज़्यादातर सुना है, लोग वैसे तो बाबा लोग होते हैं, वो आप हमारी हथेली पढ़कर, मतलब मुट्ठी हाथ में जो चीखना होते हैं इन पर पढ़कर आपको बता देते हैं। लेकिन दूसरा तरीका एक और होता है जिसको टैरोट बोलते हैं, यानी कि एक ऐसे पत्ते होते हैं जिनके जिनको सही पोजीशन में रखने पर आपका भविष्य बता सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ तीन चार दोस्तों की टोली है और उनकी गर्लफ्रेंड है, यानी कि कुल मिला के 6 लोग हैं। वो बर्थडे पार्टीज मनाने के लिए एक के शहर से बाहर जंगल में बना हुआ एक घर हाउस उसमें पहुंच जाते हैं। लेकिन उसमें जो है उनकी बियर खाना पीना खत्म हो जाता है, तो भाई टाइम पास के लिए उनको तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भाई शुरू होती है फिल्म की कहानी मेन। तो दोस्तों 7-8 मिनट के अंदर है फिल्म अपने टॉपिक पर आ जाती है। इतनी फास्ट पेस है कि आपको टाइम का पता नहीं लगेगा। कुल 1.5 घंटे की मूवी है जो आपका टाइम बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब नहीं करती है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसने यूज़ किया है। और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपको ये बहुत जल्दी फास्ट पेस भाग रही है, हर चीज़ आपको समय से टाइम से दिखती हुई दिखेगी कि हाँ इसके बाद ये चीज़ हुई है। तो कहानी आती है 6-7 दोस्त हैं, वो 6 हैं कुल मिला के, मैं 7 नहीं बोलूँगा, 6 लोग हैं, 3 गर्लफ्रेंड 3 बॉयफ्रेंड, आपस में मतलब अभी सेटिंग नहीं हुई बट आगे चल के होने वाली है। तो तीनों जो है उस कमरे में बैठते हैं, ढूंढते हैं क्या क्या है इस मकान में। तो उसका मकान मालिक कोई नहीं था, वो ऐसे ही रहने के लिए मकान था। तो उसके बेसमेंट में जाते हैं, वहाँ पर उन्हें एक डिब्बे में बंद कार्ड मिलते हैं और उनको सही पोजिशन में बैठा के वो एक दूसरे का जो है, एक लड़की उनमें से है जो ये चीज़ सीखी है उसने हॉरोस्कोप पढ़ना टैरोट के द्वारा। तो भाई टैरोट वो बिछा के एक दूसरे का भविष्य बताती है, जो उसने बताया सबका देखा, उसने अपना भी देखा। तो उसने अपना देखने के बाद वो अपने अपने घर सुबह चले जाते हैं और उसको देखने के बाद लगता है यार कि भाई भूत कहाँ गया, क्योंकि ट्रेलर हमने देखा था कि भाई जिसे कार्ड बिछे देखते हैं वो भूत वहाँ आता हुआ दिखता है। तो भाई इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो घर जाते हैं तब असली कहानी शुरू होती है। जैसा उन कार्डों में बताया गया है वैसे वैसे सबकी मौत होती जाती है। तो भाई इसमें कौन बचेगा नहीं बचेगा ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगा कौन मारा जाता है। भाई कुछ लोगों की मौत भी होती है, कुछ बच भी जाएंगे तो वो आप मूवी में जाकर देख सकती हो। भाई कौन बचने वाला है इस मूवी में वो बेहतरीन है। और इसको जिस तरह से इसका जो भूत है उसकी कहानी डेवलप की गई थी कि वो कौन है, क्या ये उनके भविष्य में लिखा है या कोई और कर रहा है, या कोई भूत प्रेत है जो उन कार्ड से निकला हुआ है, क्या वजह है कि उसमें से उन सबकी मौत होती जा रही है। तो भाई इसको देखने के लिए आपको टैरोट मूवी देखनी पड़ेगी और मैं 100% कहूँगा कि आप 4-5 दोस्त मिलकर ही देखें, अकेले में मूवी बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि आपके पूरी सांसें फूल दी जाएंगी कि भाई अब भूत आने वाला है, इसके साथ क्या होने वाला है। तो इतना दर्द आपको देखने को मिलेगा, इतना डर देखने को मिलेगा कि भाई सच में मैं तो थर थर काँप रहा था जब भी देख रहा था भाई। तो भाई दोस्तों के साथ ही देखने जाएं, और मैं तो भाई इस मूवी को 5 में से 3 स्टार देता हूं। आपको जैसी लगी हो, आपने देख ली तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो आप लोग, और इसलिए मैंने इसको रिव्यू कर दिया भाई। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और बेल आइकन भी दबाएँ, क्योंकि बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है और जिससे क्या होगा कि मेरी नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुँचती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।